अक्सर घरों में रोटियां बच ही जाती हैं, फिर चाहे सुबह की रोटी हो या शाम की रोटी हो। अब इन बची हुई रोटी का क्या किया जाए? तो आज मैं आपको इनसे एक ऐसी चीज़ बनाना बताऊंगी जिसे आप एक बार बनाने के बाद काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। जिसका मतलब कि बची हुई रोटी से बनी चीज़ें अगर आप हाथों हाथ नहीं खा पाते हैं तो जैसे जैसे रोटियां बचती जाए वैसे वैसे आप ये चीज़ बना के रख लीजिए, क्योंकि ये आपकी छोटी मोटी भूख के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। इसी के साथ मैंने इसे इतना टेस्टी बनाया है कि आप जानबूझकर रोटियां बचाने लगेंगे। तो अब चाहे कितनी भी रोटी बची हो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। फिलहाल मैं आपको दो रोटी से ये चीज़ बनाना बता रही हूँ, जिसके लिए मैंने हाथों से ही रोटी को इस तरह से टुकड़ों में कर लिया है। तो चलिए अब हम इससे हमारी ये रेसिपी बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हेलो एवरीवन, इंडिया मिशन पर आपका स्वागत है। तो आज हम रोटी की बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 1.5 कप दूध को गर्म किया है और अब आप देख सकते हैं कि ये उबलने लग रहा है। तो हम गैस के आंच को थोड़ा कम कर देंगे और इसे हम रिड्यूस करेंगे, मतलब कि हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। तो इस दौरान हम इसको थोड़ा थोड़ा चम्मच से चलाते रहेंगे और इसके किनारों पर जो भी मलाई जमती जाएगी वो भी हम स्पैचुला से स्क्रैप करते हुए इसी में मिलाते जाएंगे। आपको सही लगे तो आप एकदम तेज़ आंच पर ये काम कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो धीमी आंच पर आप दूध को इस तरह से पकने के लिए छोड़ सकते हैं। थोड़ी देर के बाद इसमें हम चीनी भी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 1/4 कप चीनी ली है, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद है तो 1 चम्मच चीनी आप और डाल सकते हैं, या फिर कम मीठा पसंद करते हैं तो 1 से 2 चम्मच चीनी आप कम भी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिला देंगे और दूध में चीनी जैसे ही घुल जाएगी हम दूध को फिर से पकने देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने मिक्सी का जार लिया है और इसमें ये रोटी के टुकड़े में भर रही हूँ, क्योंकि हमें अब रोटी के टुकड़ों को ग्राइंड करना है, इन्हें हमें अच्छे से पीसना है। तो मिक्सी को रोक रोक कर यानी कि पल्स करते हुए हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए आप, क्योंकि बची हुई रोटियां थोड़ी सी ड्राई हो जाती हैं तो इन्हें पीसने में बिल्कुल भी ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। और इसका टेक्सचर आप देखिए चूरमे के जैसा लगता है, जैसे कि बाटी का चूरमा बनाया जाता है और रोटी का चूरमा भी बनाया जाता है, लेकिन फिलहाल हम चूरमा नहीं कुछ और चीज़ बना रहे हैं। अगर आपने रोटियों को फ्रिज में रखा है जिसकी वजह से रोटी में थोड़ी सी नमी है तो आप थोड़ी देर के लिए उसे बाहर खुली हवा में रख सकते हैं, जिससे कि आपको रोटी को पीसने में आसानी रहेगी। यहाँ भी आप देख लीजिए कि मैंने दूध को इतना पका लिया है कि अब ये एक रबड़ी की तरह इसकी कंसिस्टेंसी लग रही है। अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें मलाई के लच्छे भी दिख रहे हैं। तो हमें दूध को इतना पका लेना है कि जो 1.5 कप दूध लिया है उसमें से बस 1/2 कप दूध ही बचना चाहिए और इस तरह से रबड़ी जैसा ये बन जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम गैस के आंच को स्लो पर कर देंगे और जो रोटी का चूरा या रोटी का पाउडर हमने बनाया है वो हम इसमें डाल देंगे। सारा का सारा पाउडर हम एक साथ ही डाल देंगे, फिर इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पर दूध को गाढ़ा करके इस मिश्रण को पकाने का मकसद ये है कि इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आए। वैसे अगर आप चाहें तो सिर्फ 1 कप दूध को गर्म करने के बाद भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्वाद भी काफ़ी ज़रूरी होता है तो हम इस तरह से दूध को पहले गाढ़ा करेंगे और फिर रोटी का पाउडर डालेंगे, जिससे कि इसका स्वाद बेहद ही कमाल का आएगा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इसको मिला रही हूँ वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जा रहा है और पूरी तरह से इसने रबड़ी जैसे दूध को अब्सॉर्ब कर लिया है। अब जब यहाँ टेस्ट की बात चल ही रही है तो हम इसको थोड़ा और टेस्टी बना ही देते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि सूखा नारियल का बुरादा, ये मैंने इसमें 1/4 कप डाला है और इसको भी डालने के बाद हम अच्छे से इस मिश्रण में मिला लेंगे। वैसे ये डालना इसमें ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं और इसके बिना भी इसे बना सकते हैं जैसे हम पहले बना रहे थे। बस आपको वैसे ही इसे पकाते रहना है तब तक जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। तो आप देखिए मैं इसको अच्छे से मिला भी रही हूँ और बस एकदम धीमे आँच रखी है मैंने, और अब आप देखिए ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि डो की तरह ये तैयार हुआ है। तो बस हमें इसको इतना ही पकाना है, पूरी तरह से इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है। तो अब हम गैस की आंच को बंद कर देंगे। अब इस मिश्रण को हम कढ़ाई में से निकाल कर रख लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा हम इसको फैला भी देते हैं और बस अब आप चाहें तो इसको पंखे की हवा में रख सकते हैं। हमें बस इसको इतना ठंडा करना है कि हम इसको हाथों से अच्छे से टच कर सकें। तो 10 मिनट लगे हैं मुझे इसे ठंडा करने में और अब ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे हरी इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून, जिससे कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा।
और इसी के साथ साथ अब हम इसमें डालेंगे सेचुरेटेड फैट यानी कि देसी घी। तो ये मैंने इसमें हाफ टेबल स्पून देसी घी डाला है, आप चाहो तो तेल भी डाल सकते हो। फिर इसे डालने के बाद हम साफ हाथों से इसको अच्छे से मस लेंगे और डो की तरह इसको तैयार कर लेंगे, ताकि रोटी के अगर कहीं छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो वो अच्छे से मैश हो जाएंगे और एकदम अच्छे से कंबाइंड हो जाएंगे। जितना अच्छे से हम इसको मस लेंगे उतना ही अच्छे से ये चिकना होता जाएगा। और अब आप देख ही पा रहे हो कि ये एकदम डो की तरह इकट्ठा होने लगा है और ये ना तो ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा सख्त है। अब हम इसमें से छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे और फिर इन्हें हथेलियों से चपटा करके एक तरह से मठरी की तरह या टिक्की की तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर किनारों से ये थोड़ा फट रहा है तो इसकी शेप को भी हम सही कर लेंगे और कुछ इस तरह से इसको हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अब ऐसे ही हम बाकी के सभी पीसेस बना लेंगे। इसे आप लोग रोटी की मीठी टिकिया बोल सकते हैं, रोटी की मठरी बोल सकते हैं, या फिर एक काफ़ी फेमस बिहारी डिश होती है जिसे ठेकुआ बोलते हैं। ये बरसात में काफ़ी बनाया जाता है और इसका जो टेस्ट और टेक्सचर है वो उससे काफ़ी मिलता जुलता आएगा। तो आपको जो नाम सही लगे वो नाम आप इसको दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको इस तरह से यहाँ पर बना रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये बना भी लिए हैं और इनको मैंने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखा है। अब चलिए आगे हम इनको फ्राई करेंगे और इनको क्रिस्पी करेंगे। तो मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। तेल को हमें मीडियम स्लो आंच पर गर्म करना है, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। और फिर एक एक करके ये बनाई हुई रोटी की टिकिया हम इसमें डाल देंगे। एक साथ ज़्यादा नहीं डालनी है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और फिर इन्हें हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। इन्हें हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इन पर अच्छा सा कलर ना आ जाए, क्योंकि जितना अच्छे से हम इन्हें फ्राई करेंगे उतनी ही अच्छी इनकी शेल्फ लाइफ रहेगी। तो ठंडा करने के बाद हम इन्हें किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं। और फिर चलते फिरते किसी भी टाइम आपको भूख लगे या आपका बिस्किट खाने का मन करे या चाय के साथ आपको कुछ खाना हो तो ये रोटी वाली बिस्किट जैसी रेसिपी को आप इंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से बची हुई रोटियों से बनी ये हमारी क्रिस्पी और मीठी मठरी बनकर तैयार है खाने के लिए। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए, सबको ये बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ईट यम्मी शेफ्स को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इसी तरह की रेसिपीज़ मिलती रहें। और नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस रोटी की रेसिपी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मी शेफ्स।